भारत का। प्रधानमंत्री अद्य प्रातः आभासीय माध्यमेन फिनटेक इत्यनेन सम्बद्धस्य ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम इत्यस्य द्वितीय संस्करणं संबोधयेत्। कार्यक्रमे वैदेशिक विश्वविद्यालयानां कुलपतयः विदेशस्य दूतावासानां प्रतिनिधयः अपि सम्मिलिताः स्युः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः सह कुर्यात् संवादम्। कार्यक्रमे संपूर्ण देशस्य सहस्रशः लाभार्थिनः आभासीय माध्यमेन भविष्यन्ति सम्मिलिताः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः अद्य राजस्थानस्य बांसवाड़ा उदयपुर जयपुर नगराणां यात्रां कुर्यात्। गोविंद गुरु अनुसूचित विश्वविद्यालय छात्रैः शिक्षकैश्च संवादं कुर्यात्। ऋतुविज्ञान विभागेन रविवासरं यावत् केरल तमिलनाडु पुडुचेरी राज्ययोः पुनः वृष्टेः संभावना प्रकटिता। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राज्यानां विभिन्न क्षेत्रेषु दिवसद्वयं यावत् निहारस्य अनुमानम्। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये तिसृणां स्पर्धानां टी20 श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य सायं मुंबई नगरे वानखेड़े क्रीडांगणे भविष्यति। भारतीय दलस्य श्रृंखलां रक्षितुं प्रयासः। मलेशियायां क्रीड्यमानायां पुरुष कनिष्ठ हॉकी विश्व चषक प्रतियोगितायां अद्य भारत कनाडा दलयोः स्पर्धा। कनाडा दलं क्रीडातः बहिर्गर्तुं तेषां पराजयम् आवश्यकम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन प्रमुखं वित्तीय प्रौद्योगिकीय सम्मेलनं इन्फिनिटी फोरम 2.0 इत्येतत् संबोधयेत्। भारत प्रशासनस्य तत्वावधाने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणम् अथ गिफ्ट सिटी इत्येतत् सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यतः। आगामी वर्षस्य वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य पूर्ववर्ती कार्यक्रम रूपेण इन्फिनिटी फोरम 2.0 इति एतत् सम्मेलनम् आयोजयेत्। ध्येयं यत् इन्फिनिटी फोरम इति वित्तीय सेवानां वैश्विक मञ्चत्वेन अस्ति, यत्र प्रगतिशील विचार सामायिक समस्या विश्वस्य नवाचार प्रौद्योगिकीनां अन्वेषणं विधीयते। उक्त विषयेषु चर्चा समाचर्य समाधानावसरेषु परिवर्त्यते। अत्र मञ्चे 300+ प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरेयुः। अत्र सम्मेलने भारत अमेरिका ब्रिटेन सिंगापुर दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात ऑस्ट्रेलिया जर्मनी सहितानां 20 देशानां वैश्विक दर्शकानां सहभागिता स्यात्। अत्र कार्यक्रमे वैदेशिक विश्वविद्यालयानां कुलपतयः अथ विदेशानां दूतावासानां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवेयुः। अतिकोलाहलानन्तरं अन्ततः लोकसभायां टीएमसी दलस्य महुआ मोइत्रा इत्यस्याः संसद सदस्यता समाप्तेः प्रस्तावः पारितंगतः। सममेव बहुवा सदनात् निष्कासिता। इतः पूर्वं लोकसभायां एतस्मिन् प्रकरणे आलाप प्रलापः जातः आसीत्। विपक्षेण एतं प्रस्तावमालक्ष्य गभीराः प्रश्नाः उत्थापिताः, परं भाजपा दलेन प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं दत्तम्। आचारसमिति वृत्ते बहुवा विहितं कृत्यम् अनैतिकम् आपत्तिजनकं च वर्णितम्, तस्याः अपराधः च गभीरत्वेन च वर्णितः। आचारसमितिना 500+ वृत्तं निर्मितमासीत्। समितेः अध्यक्षः विनोद सोनकरः सदने वृत्तं प्रस्तुतवान्।
संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कांग्रेस दलस्य राज्यसभा सांसदस्य धीरज साहू इत्येतेन सम्बद्धेषु अनेकेषु स्थलेषु आयकर विभागीय दलेन सासान वीक्षणं प्रवर्तितम्। पृथक पृथक राज्येषु आचरिते एतस्मिन् अन्वीक्षणावधौ आयकर विभागीय दलेन शतकोटितः अपि अधिक मुद्रा अधिकृता। एतत् सासान वीक्षणं आलक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस दलं कट्वालोचितवान्। सामाजिक संजाल पटले हास्य चित्रं प्रदर्श्य प्रधानमंत्री लिखितवान् यत् येन केनापि जनता लुंटिता प्रतिमूल्यं च दातव्यं भविष्यति, एषा हि अस्ति मोदिनः वचनबद्धता। नवदिल्ल्यां द्विषष्टितम नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप इत्येतद् द्वारा आयोजिते उपवेशने पीएम गतिशक्ति उपक्रमस्य अंतर्गतं 15,000 कोटि मूल्याधृतानां चतुर्णां आधारभूत संरचना परियोजनानां समीक्षा समाचरिता। अत्र उपवेशने नीत्यायोगं समेत्य परिवहन राजमार्ग मंत्रालय रेल मंत्रालयादीनां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रांतरे रेलपट्टिकाद्वयेन सम्बद्धां परियोजनामपि अवलम्ब्य चर्चा आचरिता। एतासां परियोजनां लक्ष्यं वंचितादिवासी क्षेत्रेषु सरल संपर्क सौविध्यं संचारजालं च संस्थाप्य एतेषां क्षेत्राणां शक्तीकरणमस्ति। सहैव शिक्षा स्वास्थ्य सेवानां संवर्धन पुरस्सरं विकासस्य दूरतायाः न्यूनीकरणमपि परियोजनानां उद्देश्यमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग इत्यत्र मानांक सूच्यां सर्वोच्च स्थानं प्राप्तवान्। वैश्विक नेतृणां मध्ये प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जगति सर्वाधिकं 76% अप्रूवल रेटिंग इति मानांकनम् अस्ति। तदनन्तरं द्वितीये स्थाने मेक्सिको देशस्य आन्द्रेस् लोपेज़ ओब्राडोर् इत्येषः अस्ति, येन मानांक सूच्यां 66% मानांकनं प्राप्तमस्ति। अत्र सूच्यां तृतीय स्थानं स्विट्जरलैंड देशस्य एलन बर्सेट इत्येषः प्राप्तवान्। सूच्यनुसारं तावत् चतुर्थे स्थाने ब्राजील देशस्य लूला डा सिल्वा इत्येषः, अथ पंचमे स्थाने ऑस्ट्रेलिया देशस्य एंथनी एल्बनीज इत्येतस्य नाम समंकितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदिना देहरादून नगरे द्विदिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य शुभारंभं कृतम्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यम् उत्तराखंड राज्यं निवेशस्य नूतन केन्द्र रूपे स्थापनमस्ति। प्रधानमंत्रिणा उक्तं यत् उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलनं प्रदेशे निवेशार्थं एकः स्वर्णिमः अवसरः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उत्तराखंडे मार्ग रेल वायवीय क्षेत्रेषु तीव्रतया विकासः अभवत्, येन उद्योग समूहेभ्यः राज्ये निवेशः सरलः भविष्यति। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले तीन में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्रिणा उत्तराखंडस्य पर्यटन क्षेत्रस्य विकासस्य वर्णनं कृतं। तेन उक्तं यत् राज्यं पर्यटनस्य सशक्त रूपं भवितुं शक्नोति। सः आपूर्ति श्रृंखलां विकसितं कृत्वा अन्येषु निर्भरतां न्यूनीकर्तुं आह्वानं कृतवान्। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो।
हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फला जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 79वें राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटितवान। कार्यक्रम संबोधयन अमित शाह उक्तवान यत् आगामी पंचविंशति वर्षेषु भारतं विश्वगुरुः भविष्यति, वयं सर्वस्मिन् क्षेत्रे सर्वाग्रे भविष्यामः। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल। युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने ढेर सारे युवाओं ने युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो, ये सभी युवा थे। उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है, वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवांकस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति, अस्य च पुनः प्रसारणम् रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। इदत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।